हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग कैटेगरी पेज को डिजाइन करना सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर में। एंड इन सबको पहले क्लोज कर लेते हैं हम लोग, क्लोज ऑल। एंड इसके बाद आएंगे अपने टेम्पलेट्स फाइल में, जहाँ पर लिखा हुआ है होम डॉट एच टी एम एल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, जनरली होम डॉट एच टी एम एल फाइल है ना, इस सबको मतलब कंट्रोल ए से आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जो हमारा पोस्ट बाय कैटेगरी है ना, यहाँ पे आके इसको रिमूव कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इसको एज इट इज। सेव करने के बाद आज जब ब्राउजर पे आएंगे, इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, सो आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है कि जैसे ये अबाउट वाला एंड फॉलोअर्स वाला जो कंटेंट है, इसको हमको नहीं चाहिए, सो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कहाँ पे है ये अबाउट अस वाला पेज, ठीक है। सो ये रहा, यहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं। एंड ये तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करके इसको लोग हटा देते हैं, ये रहा, ठीक है, परफेक्ट। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चेक करेंगे एक बार, तो ये चला गया हमारा। नाउ सेकंड थिंग कि ये मल्टीपल पोस्ट आ रही है हमारी, ठीक है। ये फीचर्ड पोस्ट जो है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। फीचर्ड पोस्ट जो आ रही है हमारी यहाँ पे, सो यहाँ पर आते हैं रिसेंट एंड फीचर्ड पोस्ट, यहाँ से ये हमको नहीं चाहिए, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। सेव करते हैं इसको, ब्राउजर पर आते हैं, ठीक। ये सारी पोस्ट आ गई हमारी, बट ये रिसेंट पोस्ट है, इसकी जगह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिसेंट की जगह कैटेगरी शो करेंगे यहाँ पे। सो उसके लिए यहाँ पे रिसेंट आर्टिकल है ना, यहाँ लिखेंगे कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी का नेम, ठीक। अभी तो मतलब स्टैटिक है, बाद में इसको हम डायनेमिक करेंगे। सो यहाँ पे कैटेगरी का नेम आएगा, एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग सारी कैटेगरी दिखाएंगे, मतलब जिस कैटेगरी का नेम होगा उस पर हम लोग यहाँ पे उसका पोस्ट दिखाएंगे। यहाँ पे जो लूप हम लोगों ने लगाया हुआ है ना, यहाँ पे पोस्ट डॉट पोस्ट, एक बार चेक कर लेते हैं किस नाम से था ये हमारा। व्यू में आते हैं एंड यहाँ पे पोस्ट ही था, एंड यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। सो ये तीन दिख लो, अगर इसकी जगह जान के चलो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, फोर करा, देन फोर में ये कैटेगरी आ रही है हमारी। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे अगर फाइव किया, देन यहाँ पे आप देखोगे ब्लैंक, मतलब इसमें एक भी कैटेगरी नहीं है हमारी, पोस्ट नहीं है इस कैटेगरी पे। सिक्स करते हैं तो सिक्स के लिए भी नहीं। सो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी का नेम शो करेंगे, ठीक है। सो कैटेगरी का नेम शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, व्यू में आते हैं एंड इसको करते हैं मिनिमाइज, यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। सो पोस्ट तो हम लोगों ने कर दिया था, अब यहाँ करेंगे कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी। सो कैटेगरी मॉडल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, सो ब्लॉक्स में ही आएंगे हम लोग, कैटेगरी को इंपोर्ट कर लेंगे। कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर की जगह गेट करना था मेरे को, एंड यहाँ पे कैटेगरी आईडी, ठीक है। ये मिस्टेक होती रहती है भाई। इसके बाद इस कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, कॉमा लगाया, कैटेगरी एंड यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। एंड इस कैटेगरी को हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। सो अभी आते हैं हम लोग पोस्ट में, एंड यहाँ पे शो करेंगे ना, कैटेगरी इसको पेस्ट ही कर लेते हैं। कैटेगरी देखते हैं पहले कैटेगरी में क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देख लो आप स्पोर्ट्स। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे फोर डाला, तो फोर में जो कैटेगरी थी ना, इसके जो जो कैटेगरी में था वो हमको टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी पे दो पोस्ट। एंड इसके बाद थ्री किया, सो बिजनेस, ये बिजनेस की पोस्ट सारी की सारी हमारी आ गई। अब इसका मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, जबकि 10 में कुछ पोस्ट है ही नहीं, तो उसके इसमें क्या मिलेगा हमको, डज नॉट एग्जिस्ट एट कैटेगरी,
ठीक है। सो कैटेगरी मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो नहीं मिल रहा है, इसमें आपको एरर मिल रहा है। तो इस एरर से कैसे बचा जाएगा, इसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। सो ट्राई एंड कैच ब्लॉक के लिए अगेन व्यू में आते हैं, एंड यहाँ पे तो इस वाली लाइन पे एरर आ रहा है, तो इसी के ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज कर लेंगे लोग ट्राई ब्लॉक का, ट्राई एंड इसको ट्राई में लिखेंगे हम लोग, एंड इसके बाद नीचे लिखेंगे कैच, एक्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर, एक्सेप्ट, समझ लो इस तरीके से। सो अभी हम वो चेक करें, तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब दिखा रहा है कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल कैटेगरी वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। ऐसा करते हैं ना, एक बार हम लोग थ्री डालते हैं। ओके, सो अगर जो कैटेगरी मिल जाती है उसका डेटा मिल जाएगा, अगर इसको कैटेगरी नहीं मिलती है तो उस केस में आपको इस तरीके से एरर देगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सेप्ट लिखा था ना, हम क्या करेंगे उसको रीडायरेक्ट करा देंगे होम पेज पे। सो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट, तो यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करा लेते हैं हम लोग रिस्पॉन्स के बाद, रीडायरेक्ट डी आई, और रीडायरेक्ट कर लेंगे कहाँ पे इसको, होम पेज पे, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग, सो अगर वो जो कैटेगरी बिलोंग नहीं करती है उस पे एड करेंगे तो ये हमको होम पेज पे भेजा देगा। अगर यहाँ पे आके फिर भी अगर हम लोग एक एक्यूरेट कैटेगरी का नाम डालते हैं तो यहाँ पे हमको कैटेगरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से इससे आसानी से बचा जा सकता है। बट इसके अलावा भी एक और है, जैसे कि मान के चलो आप 404 पेज शो करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, एंड इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड है 404 एरर दिखाने के लिए। सो यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे कैटेगरी CAGORY TGORY कैटेगरी इक्वल गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, इसको पहले इंपोर्ट कराते हैं, गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट और 404। सो ये कहाँ मिलेगा हमको, ये मिलेगा फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स, शॉर्टकट से इंपोर्ट करना है हमको गेट ऑब्जेक्ट और 404, ठीक है। इसको तो इसको हमको यूज़ कर लेना है। अब क्यों यूज़ करते हैं बताऊंगा मैं अभी आपको, गेट ऑब्जेक्ट्स और 404। यहाँ पे पहले तो ये बताना होता है इसको कि किस मॉडलिंग पे अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे कैटेगरी मॉडल है हमारा एंड किसके बेस पे, सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा आईडी के बेस पे, प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इक्वल टू कैटेगरी आईडी। सो अगर कैटेगरी मिल जाती है तब तो ये एक्यूरेट डेटा दिखा देगा, अगर आपको अगर नहीं मिलता है तो मैं 404 एरर देगा। दिखाता हूँ आपको कि जैसे 3 है तो 3 में तो प्रॉपर वर्क करेगा ये। अब जैसे 3 की जगह पे हम लोग 10 ऐड कर देते हैं तो इसमें देखो 404 एरर देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप अपना कस्टम एरर मैसेज शो करा दो, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पर ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ कर लो। सो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक कब यूज़ करना चाहिए, कब 404 मैसेज शो कराना चाहिए। तो जब भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जब भी आपको टास्क परफॉर्म कराना है, तो उस केस में आप यूज़ कर लो ट्राई, ठीक है। यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सो यूज ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट व्हेन वी वांट टू यूज, व्हेन वी वांट टू टू सम एक्शन, ठीक है, सम कस्टम एक्शन इफ द कैटेगरी, इफ द कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अगर कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है उसके बाद अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तब तो आप यूज कर लो ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का, बट 404 का भी यूज करना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप में पता रहे कि कब कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। सो यूज गेट अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट अंडर स्कोर और अंडर स्कोर 404, ठीक है, वैन यू वॉन्ट टू, वैन यू वॉन्ट टू, भाई सही से हो जाओ, वैन यू वॉन्ट टू शो 404 एरर पेज, ठीक है, इफ द कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपको 404 पेज शो कराना है देन आप गेट ऑब्जेक्ट और 404 मेथड यूज कर लो, और अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है, अगर कैटेगरी नहीं मिलती है तो उस केस में हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो फिलहाल मैं तो अभी बस यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको 404 एरर पेज कैसे बनाते हैं ये भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब इसको फिर मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट को हाइड कर दूंगा एंड ये दिखा दूंगा आपको।
ओके सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करते हैं ट्राई एनएसटी ब्लॉक का एंड कब करते हैं हम लोग 404 मैसेज का। ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।